नमस्कार एसबीटी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ आभा और आप देख रहे हैं राजनीतिक खबर। बागी होकर कांग्रेस प्रत्याशियों के ही खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे जिन नेताओं को कांग्रेस ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाला है उन्हें फिर से गले लगा सकती है कांग्रेस। इस कार्यवाही का बागियों पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये कार्यवाही एक रस्म अदायगी है जिसे औपचारिकता पूरी करने के लिए किया गया है। जो नेता बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से जो जीत जाएंगे उन्हें जीतते ही कांग्रेस फिर से गले लगा लेगी। कांग्रेस ने गंगानगर जिले में बागी हो चुनावी मैदान में उतरे राजकुमार गौड़, रायसीनगर में सोहन नायक, साधु शहर में ओम बिश्नोई और करणपुर में प्रतपाल सिंह संधु को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। सूत्रों के अनुसार इन सभी नेताओं को चुनावी मैदान से हटाने के लिए भरपूर कोशिश की गई। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उनसे संपर्क साध कर पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में हटने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी और मैदान में डटे हुए हैं। इस बात को बागी नेता भी जानते हैं कि निष्कासन की कार्यवाही से उनका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हर चुनाव में इस तरह की कार्यवाही की जाती है और बाद में निष्कासित लोगों को फिर से शामिल कर लिया जाता है। जो जीत जाते हैं उनके लिए तो तुरंत ही पार्टी अपने द्वार खोल देती है। 10 साल पहले गुरमीत सिंह कुन्नर ने श्रीकरणपुर से बागी होकर बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ा, जीत गए तो अशोक गहलोत सरकार में मंत्री पद हासिल कर लिया। जगदीश जांदू के साथ भी कुछ ऐसा ही हो चुका है। एसबीटी न्यूज की आपसे अपील है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें और एक जागरूक मतदाता बने, और इसी तरह की राजनीतिक खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एसबीटी न्यूज और बने रहिए हमारे साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।